वीडियो आ चुकी है मेरी, इसमें आज मैं आपको इस वाले यूज़ के बारे में बताऊंगा, तो आप देख लीजिए एक बार इसको, इसके बारे में बताऊंगा जो ये लाइन लाइन से आ रही है। तो इस पूरी वीडियो को वॉच करना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है और उसके बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना है जल्दी से। तो फ्रेंड देख लेते हैं मैं आपको इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा और मैं आपको इससे भी अगले वीडियो बताऊंगा जिसमें डायोड कैसे चेक करा जाए, कैपेसिटर कैसे चेक करा जाए, आईसी कैसे चेक करा जाए, सब चीज़ आपको वीडियो में अगली वीडियो में बताऊंगा। और मैं बहुत सारी वीडियो डालता रहूँगा मल्टीमीटर में जो आपको अच्छी लगती है, तो आप मुझे बता दीजिए मैं और उसके ऊपर वीडियो डाल दूंगा। तो मेरा दूसरा पार्ट है थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने आपको सारा समझा रखा है, आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जाके जल्दी से देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन में भी आ जाएगी, तो आप देख लीजिए एक बार। मैंने इतना बहुत अच्छे से समझाया था और मैं आपको बिल्कुल 5 मिनट में बिल्कुल आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर दूँगा बिल्कुल अच्छे से, जल्दी देख लेते हैं कैसे कैसे करना है हमें। तो अब मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे फ्रेंड यह भी सोचते होंगे, मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोप हम ऐसे ही क्यों लगाते हैं, तो उस तरह से क्यों लगा सकते हैं। फ्रेंड जो आप देख सकते हैं आपको ये ब्लैक वाली प्रोप है आपको नीचे वाले में लगानी है, कोमल लिख रहा है, और जो रेड वाली प्रोप है आपको उसको ऊपर वाले में ही लगानी है, और जो आप एम्पेयर चेक करते हैं आपको उस वाले में लगानी, जो आपको फुल डिटेल में चाहिए तो मैंने इसकी एक वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पर, आप जाकर देख लीजिए। तो मैं अपने मल्टीमीटर को ऑन कर लेती हूँ, देख लीजिए मैंने इसमें सेट कर लिया है, वो इसका नाम है स्क्वायर वेव फ्रिक्वेंसी। तो आप इससे 50 हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी चेक कर सकते हैं, या आपने कोई एम्पलीफायर बनाया है, आप एम्पलीफायर जहाँ ऑक्स लगाते हैं आप वे ये दोनों प्रोब उधर एम्पलीफायर में लगा दीजिए जाके और आपको चल जाएगा ये। तो ये दोनों प्रोब जो हैं आपके, आपको इसको अपने उसमें लगा लेना है एम्पलीफायर में, आपका एम्पलीफायर आवाज़ करने लग जाएगा, 50 हर्ट्ज तक की साउंड निकालता है ये, आपको शो नहीं करेगा यहाँ पे, आपको ये जो आपका वो है एम्पलीफायर उसमें आपको आवाज़ आ जाएगी। और फ्रेंड्स का जो आपको चेक करना है तो आपको अपना जो हमारा जो लैपटॉप पीसी होता है हम आर्डिनो से कोडिंग करके वो करा जाता है, मेरे पास इस वक्त आर्डिनो नहीं है तो वरना मैं आपको करके दिखा देती हूँ, तो आर्डिनो से करा जाता है ये इससे। और फ्रेंड्स इसके बारे में बहुत बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपको कोई ज़्यादातर इसके बारे में नहीं बताया, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया, आपके फ्रेंड्स बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक और बार बता देता हूँ इसके बारे में कि इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं है, ज़्यादातर इसका बड़े मल्टीमीटर में ज़्यादा अच्छा यूज़ है इसका, आप इसको बड़े मल्टीमीटर परचेज कर लीजिए, और ये बेसिक मल्टीमीटर आपको पहले इसका समझ में आना चाहिए, आपको बड़ा समझ में आएगा। तो आपने लाइक और सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, मैंने आपको इसके बारे में पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे इसमें है आपको इसको यहाँ सेट कर NPN और PNP ट्रांजिस्टर लाकर जो आप कोई सर्किट बनाते हैं पहले आपको इसे चेक कर लेना है, उसके बाद भी उसका आगे का वर्क करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बना लेते हैं और उसके बाद ये ख़राब निकल जाता है। फ्रेंड्स आपको पहले इस पर चेक कर लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स जब आपको मल्टीमीटर ना हो नहीं हो तो आप परचेज कर लीजिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था और लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ और अगले टॉपिक के साथ।